वारिसरीगंज प्रखंड के सांबे बिशनपुर में आज बिजली विभाग की लापरवाही से एक साथ तीन व्यक्ति की जो है करंट लग जाती है, जिसमें एक व्यक्ति की जो है मौत हो जाती है और दो व्यक्ति अभी पावापुरी बीम्स रेफर हैं। अभी हम वारिसरीगंज अस्पताल में मौजूद हैं और देख सकते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मंटन सिंह जी यहाँ जो है आए हैं, क्योंकि एक व्यक्ति की मौत हो गई है और स्थानीय लोग हैं। सबसे पहले इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो बिजली विभाग की लापरवाही जो है बता रहे हैं तो कैसे कैसे जो घटना हुई है, इससे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुरेंद्र यादव हुआ, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 24 मेरा घर हुआ बिशनपुर जी। मेरा यहाँ घटना घटा बिजली विभाग के लापरवाही से। क्या लापरवाही है? लापरवाही से मैंने अपना पैड पर भी लिख के दिया, कई बार मैंने जा कर के शिकायत भी की है कि अगर यहाँ 440 तार है, कुछ तार था 11,000 रोड पर, उसमें जेई साहब उस समय में कहे तो जाकर के कुछ ऊँचा किए पोल लगा करके, और मेरे यहाँ जो पावर हाउस है ट्रांसफार्म है उसमें हैंडल नहीं है, जो कि ये आज वो रहता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। जो ट्रांसफार्मर में जो हैंडल होता है लाइन काटने के लिए, यानी जब भी जरूरत पड़े लाइन काटने की, लाइन जो है देने की, तो हैंडल आपके जो है गांव में नहीं है, नहीं है, और उसी जो है उसी का नहीं रहने की वजह से जो है नहीं रहने के वजह से ही यह घटना हुआ है। आज गोरेलाल जी का जो बड़ बच्ची है सिंकी देवी है, आज उनका मृत्यु हो गया। गोरेलाल जी भी जीवन और मौत पर गुजर रहे हैं, पावापुरी रेफर हुआ, उनका बच्ची का भी। कितना बार जो है आवेदन दिए हैं? आवेदन हमारा लगता है कि 3-4 बार दे चुके हैं, जब से चुनाव हम जीते हैं हम आवेदन पर आवेदन देते हैं, रह गए चक्कर काटते, अभी तक काटते हैं। तो हम परसों हैं वारिसरीगंज बिजली विभाग की जो है बड़ी लापरवाही जो सामने आ रही है, क्योंकि ये गांव के ही व्यक्ति हैं, वार्ड सदस्य हैं, और इनका आरोप जो है लग रहा है कि बिजली विभाग में जो हम कई बार आवेदन दिए हैं, इसके बावजूद जो है वहाँ जो है चैनल नहीं दिया गया, हैंडल नहीं दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप जो है आए दिन लगातार जो है ये घटना जो है सामने घट सकती है। अभी बराबर स्कूटी साहब के बोले कि अप्रिय घटना मेरे यहाँ कभी भी घट सकता है, ये बरसात के समय है, कखने तार गिर जाएगा तो क्या होगा। आज नौगत आ गया, तीन व्यक्ति को जो है करंट लगा, उसमें एक व्यक्ति जो है ये हो गया और दो झूल रहे हैं मौत से, दोनों देख सकते हैं। और घटना की सूचना मिलने के बाद जो है कांग्रेस नेता मंटन सिंह जी यहाँ जो है मौजूद हैं, और इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कहेंगे सर बिजली विभाग की जो है लापरवाही सामने आ रही है। सबसे पहले तो मैं मर्माहत हूँ ये घटना से जी। क्योंकि एक बच्ची का यहाँ मौत हो चुका है जी। और गोरेलाल जी यादव जी अभी बिम्स में हैं, उनकी एक बच्ची भी वहाँ है, दो तीन आदमी का करेंट लगता है। और जैसा अभी सुरेंद्र भाई जी ने बताया कि मैंने 2-3 बार एप्लीकेशन दिया और उसके बाद बिजली विभाग की ये लापरवाही है, तो ये सरकार कान में तेल डाल के सोई हुई है जी। कहती है कि सुशासन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, तो ये मामला देख रहे हैं ना ये इनका। मैं इन लोगों के माध्यम से, या मैं भी जब उस गांव में गया तो वहां लंगा तार अभी तक उस गांव में है, जबकि कितने गांव में तार बदले जा चुके हैं और टेंडर भी हो चुका है इसका बदलने का, लेकिन पता नहीं सरकार क्यों इस तरह का। और उस बिशनपुर ग्राम में जो आज तीन एक परिवार के हैं तो पूरा उजड़ गया सर। हाँ, पूरा उजड़ गया। उजड़ने के साथ साथ अभी मान लीजिए देखिए, एक तो यहाँ है वारिसरीगंज में और दो हैं बिम्स में, दो उनकी क्या स्थिति है धीरे धीरे, एक तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हैं, चिंताजनक स्थिति में है उनका भी। और मैं प्रशासन से और यहाँ के जितने भी कम से कम स्कूटी इंजीनियर, SDO साहब और जूनियर इंजीनियर, आपके माध्यम से मैं बताता हूं कि यदि इस तरह के आप वहां तार का सुधार नहीं कीजिएगा तो आए दिन हम जैसे कार्यकर्ता, हम जैसे नागरिक आपके विरुद्ध आंदोलन करेंगे। और इस तरह का काम ये जान जा रहा है, और आप लोग अभी तक कोई बिजली विभाग का अफसर वहां नहीं पहुंचा है। और बताइए कि ये करंट लगी कैसे, क्या वहां करने के लिए गए थे, कैसे क्या लगा हुआ है घटना? करेंट 440 तार था सब गिर गया, 440 गिर गया। उसके बाद सवेरे अनहार के हो ही जाता है 6 बजे, वो गोबर काटने के लिए अपना बथान है ये बथान पर चल गई, और जैसे गोबर उठा रहा था हाथ में पकड़ा गया तार चिल्लाने लगा बस। उसके बाद उसका पिताजी, उसका बहन, परिवार दौड़ गए, वही करंट के चपेट में सब आ गए। अंत में नहीं, वहाँ अगर वो रहता हैंडल रहता तो गिरा के वहाँ पर आदमी था तो तुरंत में कट जाता। लाइन कैसे कटवाया? लाइन वहाँ बिजली विभाग फोन किए, तब बिजली विभाग फोन किए, तब तक हो सकता है कोई और भी चपेट में आ जाता। बहुत सन चपेट में आ जाता, इसका कोई गारंटी है? जब गिर ले था तब तो समझ सकते हैं। अभी जो हम वारिसरीगंज में हैं
और बार्सलीगंज के जो बिजली विभाग में जो है जिस प्रकार से लापरवाही देखी जा रही है तो कहीं ना कहीं बड़ी जो है निंदनीय घटना है। बाकी देख सकते हैं कुछ ग्रामीण हैं, इन लोगों से भी हम जो है और कुछ भी जान लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नीतीश। आप भी बिशनपुर के ही रहने वाले? हाँ जी। अच्छा, आप लोगों को जो है कहीं कुछ जो है लाइन में प्रॉब्लम होता है तो कैसे जो है आप लोग ये लाइन करते हैं? बहुत दिक्कत है, फोन करना पड़ता है बिजली ऑफिस। फोन करना पड़ता है बिजली ऑफिस? हो सकता है तुरंत जो है आप फोन उठाएं नहीं उठाएं, प्रतिक्रिया दें नहीं दें? लाइन नहीं कटता तो चार आदमी चार पांच आदमी आ चल जाता है। लाइन नहीं कटवाते तो जो है अब तक ये चल जाता, चल जाता है। हाँ, और तार पूरा झूला ले, पूरा रोड में तार झूला ले, पूरा रोड तार झूला है, पूरा हाथ में बैठा है तार। तीन व्यक्ति का जो है जो है ये घटना है ना, तीन व्यक्ति जो है घटना में स्थल पर जो है ये बर्बाद हो जाते हैं। एक व्यक्ति का तो मौत हो ही गया है ना, दो को भर्ती है, एक चली गया है। चलिए तो आप क्या कहते हैं? भूषण यादव सर, पूरा गांव में लंगटा तार है, लंगटा तार में कभी भी गाड़ी घोड़ा ले जाते हैं, वो तार भी झूला हुआ है तो कभी भी वो तार गिर सकता है, कभी भी गाड़ी घोड़ा में बस सकता है, इसके कुछ हो सकता हाँ है कभी भी। जैसा कि जो है सुरेंद्र जी जो है वार्ड सदस्य हैं वहाँ के और बताए हैं कि लगभग जो है कई बार जो है बिजली विभाग को जो है सूचना दिए हैं, इसके बावजूद जो है बिजली विभाग कोई भी कार्रवाई नहीं किए, जिसके परिणाम स्वरूप आज जो है एक घर उजड़ गया। बाकी आगे जो है ये कार्य नहीं होता है, कहीं ना कहीं वहाँ यदि हैंडल नहीं लगाया जाता है तो और भी जो है घटनाएँ हो सकती है। घटना हो सकता है, अप्रिय घटना, हम बोले बिजली विभाग ऑफिस में जा करके कि सर मेरे यहाँ कभी भी अप्रिय घटना घट सकता है, लाइन के चपेट में आ सकता है। इसका पूर्ण जिम्मेदार 110% जिम्मेदार जो है बिजली विभाग है, और जाकर के कहें कि इसका अगर घटना घट जाएगा तो इसका जिम्मेदारी आप लोग बनिएगा ना भाई जी जी। तो पर भी कोई सुनवाई नहीं, आज टाल मटोल आज ये है आज वो है, इसी करते रह गए, आज तक करते रह गए और आज देखिए ये घटना घटी गया। तार कब गिरा था ये किसी को ये भनक नहीं, ये पते नहीं था, सांझ में गिर गया है, जानवर है यादव जात है, कुल जानवर रख ले है जी जी। और वो तो बच गया कि जानवर रख के नहीं लगा, ये तो ये गोबर उठाने के लिए गया तो ये तो आदमी जानवर के भी लग सकता था, बच्चा भी उसे गुजर रख, जब गली है तो रास्ता में सबको गुजर रहा था बिल्कुल। तो परिवार वालों का जो है रो रो कर बुरा हाल है, और अभी जो है सदर अस्पताल बार्सलीगंज में मौजूद हैं और कांग्रेस नेता मंटन सिंह जी हैं, जैसे ही इनको सूचना मिलता है बराबर देखा जाता है कि कहीं भी कुछ भी होता है वहाँ जो है पीड़ित परिवार से मिलने आते हैं, उनको सांत्वना देते हैं और आज जो है ये फिर से जो है बार्सलीगंज अस्पताल में जो है आए हैं। क्या कहेंगे सर, लगातार जो है बिजली विभाग की लापरवाही जो है ये लोग बता रहे हैं? देखिए अब तो ये तो मुद्दा जो है बिजली विभाग का लापरवाही का तो मुद्दा है ही जी जी। और लापरवाही के साथ साथ जब इन्होंने, मैं तो अगले बार भी बोल चुका कि सुरेंद्र जी ने एप्लीकेशन भी दिया तो पर भी इस पर कार्रवाई नहीं हुई। मैं कल तो संडे है, सोमवार को डीएम से भी इस बात पर मिलूंगा और बिजली विभाग की लापरवाही वारसलीगंज में जो हो रही है डीएम को मैं अपने पैड पर लिखित रूप से दूंगा और इस पर यहाँ के जर्जर तारों को सुधारने हेतु उनसे भी, स्कूटी इंजीनियर से भी बात होगी। स्कूटी इंजीनियर से भी मैं अभी तुरंत फ़ोन पर बात किया हूं और कहा हूं कि सर इस तरह का तार सबसे पहले यहां बदलवाइए और उसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। बहुत धन्यवाद। परिवार के साथ हम 12 बजे रात्रि में 1 बजे रात्रि में जहां भी हैं मैं दुख के घड़ी में इनके साथ जी। तो देख सकते हैं अभी जो है हम सदर अस्पताल बार्सलीगंज में है और जिस प्रकार से ये सारे लोग बता रहे थे और बिजली विभाग की लापरवाही से जो एक परिवार उजड़ गया तो उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, जरूर बताएंगे। सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।